को सब्सक्राइब देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और मैं रेखा अग्रवाल, आज की वीडियो में मैं आपको गलगल का अचार बनाना बताऊंगी। ये गलगल सर्दियों में आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, आज हम बनाएंगे गलगल का अचार। इसके लिए मैंने 2 किलो गलगल ले लिए हैं, और ये गलगल हम बिल्कुल फ्रेश लेंगे। अगर बासी गलगल होंगे तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। तो 2 किलो गलगल में मैं ये 400 ग्राम के करीब हरी मिर्च है, तो ये डाल देंगे गलगल में। तो सबसे पहले हम गलगल को धो लेंगे। तो मैंने इनको अच्छी तरह से धो के धूप में सुखा लिया है, और इनका पानी अच्छी तरह से सूख गया है। अब हम इनको काट लेते हैं। पहले ये गलगल का हम मोटा हिस्सा हटा देंगे दोनों साइड से। गलगल में बीज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो थोड़े बहुत हम बीज भी हटा देंगे। इस तरह से हम छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे सभी गलगल के। गलगल कई तरह के आते हैं, तो आप देख के ले लें। इसका थोड़ा देखिए छिलका पतला है, तो मोटे छिलके के भी आते हैं, तो पतले छिलके के बढ़िया रहते हैं और इनका अचार भी जल्दी पक जाता है। तो आप थोड़ा देख के ले लें इनको। तो काट लेते हैं इस तरह से सारे गलगल। गलगल हमारे सारे कट गए हैं। अब हम इसमें मिर्च काट लेंगे। ये देखिए, मिर्च हम ऐसे 2 पीसेस में काट काट के डाल लेंगे सारी। आप चाहें तो इस तरह से चीरा लगा के भी छोड़ सकते हैं। ये मिर्च भी सारी काट ली हैं। ये जो गलगल हैं, इनको थोड़ा सा हम ऐसे दबा देंगे थोड़े से गलगल को, ताकि इनका रस अचार में मिल जाए। गलगल के अचार में मसाले डालेंगे। तो ये मैं ये 150 ग्राम का कप है, ये 2 कप मैं नमक के डाल दूंगी। ये 300 ग्राम मैंने नमक डाल दिया है, 2 चम्मच हल्दी डाल दूंगी। करीब ये 25 ग्राम हल्दी है, 2 चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे, आधा चम्मच अजवाइन की डाल देंगे, अजवाइन ऑप्शनल है। ये मैं 200 ग्राम चीनी डाल दूंगी, 1.25 कप चीनी डाल दी है मैंने इसमें, करीब 200 ग्राम चीनी। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इसको हम मिला लेंगे। ये देखिए, अचार में सारे मसाले मिला लिए हैं, और अब हम इसको किसी कंटेनर में भरकर 3 से 4 दिन धूप में रखेंगे। यह अचार हमारा 10 दिन के बाद खाने लायक हो जाता है, और मिर्च तो हम दूसरे दिन ही खा सकते हैं। गलगल को पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।